आखिरकार कब तक तू सोता रहेगा? छुपा करके मुंह रजाई में सपनों को कब तक संजोता रहेगा? मैं कुछ बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, लेकिन भाई कब करेगा? देख ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करूंगा। कब तक इस बोझे को ढोता रहेगा? भाई तू खुद ही तो कहता था कि समय अनमोल है, ये वापस लौट कर नहीं आता। तो फिर तू क्यों इसे खोए जा रहा है? सफल दोस्तों के लिए क्यों तू जले जा रहा है? नफरत की आग अपने सीने में क्यों तू भरे जा रहा है? आखिरकार कब तक ये झूठे सपने अपने माँ बाप को दिखाएगा? आखिरकार कब तक? तू निठल्ला है, कामचोर है और लापरवाह है, ये खुद नहीं मानता, लेकिन यही सच्चाई है। और कब तक तू ये सच्चाई अपने घर वालों से छुपाएगा? आखिरकार कब तक तू कब तक इस समय को गवाएगा? कब तू अपने घर वालों को कोई अच्छी खबर सुनाएगा? आखिरकार तू आगे बढ़ने से इतना डरता क्यों है? खुद ही खुद की सच्चाई से इतना लड़ता क्यों है? अगर बोल दे कोई तेरी सच्चाई तेरे मुंह के आगे, तो फिर तू उनसे झगड़ता क्यों है? क्योंकि तू डरपोक है, तेरी सच्चाई तुझसे हजम नहीं होती, तेरी खुद को धोखा देने की आदत तुझसे कम नहीं होती, क्योंकि तू डरपोक है। तू अपने 4 गज के मकान में बंध सा गया है, खुद के इस कंफर्ट जोन में तू फंस सा गया है। तू इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता, संघर्षों की राह में तू फिसलना नहीं चाहता, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि तू डरपोक है, हारने से तुझे डर लगता है। जब 4 लोग तुझे देखेंगे तो क्या पूछेंगे? तुझे इससे डर लगता है? हाथी के एक छोटे बच्चे को जब किसी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो काफी प्रयास करने के बाद भी जब वो उस कैद से नहीं छूट पाता, तो वो केवल ये सोच करके प्रयास करना बंद कर देता है कि यही तो सच्चाई है, और वो वहीं बंधा रह जाता है, वहीं पर खाना खाने लगता है और कंफर्ट जोन में चलता चला जाता है। वो अपनी असफलता का कारण उस रस्सी को, उस पेड़ को मानने लगता है, लेकिन यदि वो एक बार अपने खुद के गिरेबान में झांक करके देख ले कि तू तब छोटा था इसीलिए नहीं तोड़ पाया, लेकिन अब यदि तू एक प्रयास भी करे तो इस रस्सी को तो क्या पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है, पूरे जंगल को तहस नहस कर सकता है, लेकिन अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे कंफर्ट जोन पसंद है, बैठे बैठाए खाना मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ऐसी ही कहानी एक मेंढक की होती है। जब एक मेंढक को गर्म पानी में डाला जाता है तो वो छलांग लगा करके बाहर आ जाता है। बार बार गर्म पानी में डाले तो बार बार छलांग लगा के बाहर आ जाता है, लेकिन कंफर्ट जोन का कमाल देखिए कि जब उसे ठंडे पानी में डाला जाता है और गैस बर्नर पर उस पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, तो मेंढक बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अभी उसे पानी इतना गर्म नहीं लगता। पानी धीरे धीरे गर्म होता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेंढक अब चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। और यही हाल हम इंसानों का है कि जब तक कि मुसीबत हमारे गले तक ना आ जाए, तब तक हम उससे लड़ना नहीं चाहते, और जब लड़ना चाहते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। हम कुछ शुरुआत करें तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हम समस्या को खत्म कर पाए तब तक समस्या हमें खत्म कर चुकी होती है। वीडियो के अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगने वाला हूं आज, बल्कि इतना ही पूछना चाहता हूं कि कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे? कहीं आप भी तो ऐसे कंफर्ट जोन के ट्रैप में नहीं फंसे हुए? देखो, सोचो और समझो, और जब तक देरी हो उससे पहले खुद को इससे बाहर निकालो और झोंक दो खुद को मेहनत की इस भट्टी में, जो कि कल तुझे इस संसार का बादशाह बनाएगी, जो कि कल तुझे तेरे फील्ड का बादशाह बनाएगी, जो कि कल तेरी पहचान पूरी दुनिया से कराएगी।